चैप्टर 3 कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस कर रहे हैं। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा तो भी बताइए, समझ आ रहा है तो भी बताइए, ठीक है। तो हम लोग 3.2 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट थे, जो कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एंड जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई एडवाइस यू कि आप स्टार्टिंग से देखिए। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें चैप्टर का ब्रीफ मैंने दिया है, चैप्टर को ब्रीफली समझाया है कि व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट। ओके, तो चलो जी हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 3.2 एक्सरसाइज का। ओके, एंड जिसने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी इस चैप्टर की, वो तो क्वेश्चन सेकेंड फटाफट से बता देगा अपने आप, उसको तो आता ही होगा सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, On comparing the ratios of A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, A1 A2, B1 B2, C1 C2 निकालने के बाद, उनकी रेशियोज निकालने के बाद, उनको कंपेयर करने के बाद, ये बताओ कि क्या ये लाइन्स, जो ये पेयर ऑफ लाइन्स हैं तीनों पार्ट्स में, क्या ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, या फिर ये पैरेलल हैं, या फिर ये कोइंसिडेंट है। देखो बच्चों, अभी तक जो क्वेश्चंस थे वो क्या थे कि आपको ग्राफिकली देखना था कि क्या वो पैरेलल लाइंस हैं या कोइंसिडेंट हैं या फिर दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। लेकिन अभी जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए वो ये कह रहे हैं कि ग्राफिकली नहीं बताओ, हमें डायरेक्टली बताओ बाय कंपेयरिंग रेशियोज ऑफ A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। ओके, तो क्या करेंगे हम, हमारे पास, मैंने आपको बताया है अपनी फर्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, कि क्या की जो जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की वो कौन सी होती है। जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस को इससे कंपेयर नहीं करना, पहली वाली इक्वेशन को कंपेयर करना है इससे, 1 1 1 लगा दिया, दूसरी वाली को कंपेयर करना है इससे। कंपेयर करना मतलब कंपेयर ऐसे करना है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 5, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है a1, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 5, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट a1, तो a1 जो हो गया वो हो गया 5, ठीक है। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट -4, गलती होती है यहाँ पर y का कोएफिशिएंट -4, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट b1, तो b1 इज इक्वल टू -4। यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म 8, कॉन्स्टेंट मतलब x और y के बिना वाली टर्म, वो 8 है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म c1, सो c1 विल बी इक्वल टू 8, ठीक है, आगे समझ। सेकेंड वाली इक्वेशन है ये दोनों, इधर से भी सेकेंड, इधर से भी सेकेंड, x का कोएफिशिएंट 7, x का कोएफिशिएंट a2, सो a2 विल बी इक्वल टू 7, y का कोएफिशिएंट 6, y का कोएफिशिएंट b2, सो b2 विल बी इक्वल टू 6, कॉन्स्टेंट टर्म बिना एक्स वाई वाली टर्म -9, और यहाँ पर c2, सो c2 विल बी इक्वल टू -9। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना कि मान लो तुम्हारी इक्वेशन यहाँ पर प्लस ऐसे दी हुई होती, ऐसे, हाँ, तो नहीं करना ऐसे, सबसे पहले राइट साइड में जीरो कर दो, सब कुछ लेफ्ट साइड में ले आओ, सब कुछ लेफ्ट साइड में ले आओ। लेकिन अभी उन्होंने क्वेश्चन बिल्कुल सीधे साधे दिए हैं, सब कुछ लेफ्ट साइड में ही ऑलरेडी दिया है उन्होंने, राइट साइड में जीरो रखा है, तो अभी हमें ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा है, हमारा ये आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, a1 upon a2 क्या है हमारा, a1 upon a2 5 upon 7, एंड b1 upon b2 क्या है हमारा, b1 upon b2 -4/6 which is -2/3। जब a1 upon a2 b1 upon b2 के नॉट इक्वल आ रहा है, साफ पता चल रहा है दे आर नॉट इक्वल, देन नो नीड टू कंपेयर देम विद c1 upon c2, c1 upon c2 देखने की जरूरत ही नहीं है। जब a1 upon a2 b1 upon b2 के नॉट इक्वल आ जाए तो डायरेक्टली दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, they have a unique solution, okay? Because a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, therefore they are क्या बताना है हमें कि whether the following pair of linear equations intersect at a point, या they are parallel, या they are coincident. तो they intersect at a point. Therefore they intersect at a पॉइंट, एंड साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, दिस इज द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोल सकते हैं, एंड दिस इज द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या समझे हम कि अगर a1 upon a2 b1 upon b2 के इक्वल नहीं आया तो c1 upon c2 निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख दो कि दे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। अभी तीन, तो बाकी दोनों केसेस भी आपके यहीं पर ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, अब हमने ये पहली वाली इक्वेशन है, तो पहली वाली इक्वेशन को अगर मैं इससे कंपेयर करती हूँ तो मेरा क्या आएगा,
a1 जो होगा वो मेरा 9 आ जाएगा, ठीक है, b1 जो होगा वो मेरा 3 आ जाएगा, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म c1 है तो कांस्टेंट टर्म मेरी क्या आ गई 12। ऑलराइट, अब इसको किससे कंपेयर करेंगे हम, सेकंड वैल्यू से, तो x का कोएफिशिएंट इज 82, x का कोएफिशिएंट इज 18, तो a2 मेरा हो गया 18, y का कोएफिशिएंट इज 6, तो यानी b2 मेरा हो गया 6 एंड c2 मेरा हो गया 24। ऑलराइट, अब लिखते हैं a1 upon a2 which is 9 upon 18 which is 1 upon 2, ठीक है, b1 upon b2, b1 upon b2 आ गया मेरा 3 upon 6 which is 1 upon 2, ओके, यहां पर a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब आपको c1 upon c2 निकालने की भी जरूरत पड़ी गई, है ना, वो भी निकालोगे आप, तो क्या है c1 upon c2, c1 upon c2 है 12 upon 24 which is 1 upon 2, अरे बाप रे, ये तो तीनों ही इक्वल आ गए, है ना, तो क्या करेंगे हम, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, that means this is the case of coincident lines, एक के ऊपर एक, this is the case of infinitely many solution, बहुत सारे solutions होंगे, एक के ऊपर एक लाइन होगी, coincident lines, एक के ऊपर एक, ठीक है, so क्या लिखेंगे हम, this is the case of coincident lines, they are coincident lines, coincident lines, और आप लिख सकते हैं, that is, they have infinitely many solutions, infinitely many solutions, okay, चलते हैं next part पर, a1 क्या है हमारा, 6, अब तो आपको फटाफट से निकालना आ गया होगा, b1 क्या है, -3, and c1 क्या है, 10, a2 क्या है, 2, b2 क्या है, -1, and c2 क्या है, 9, ठीक है, अब निकालते हैं, a1 upon a2, which is 6 upon 2, which is 3 upon 1, 6 upon 2, ठीक है, b1 upon b2, b1 upon b2 is -3 upon -1, इन दोनों को डिवाइड किया, माइनस से माइनस कट गया, ये भी 3 अपॉन 1 आ गया, दैट मींस दे आर इक्वल, तो दैट मींस हमें c1 अपॉन c2 निकालने की भी जरूरत पड़ गई, तो चलो c1 अपॉन c2 निकालते हैं, व्हिच इज 10 अपॉन 9, ओ ये क्या हो गया, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल है, लेकिन वो दोनों c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, ये दोनों तो इक्वल है, इन दोनों के बीच में तो इक्वल का साइन आ गया, लेकिन ये दोनों नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के, है ना, तो जब ये दोनों, तो ये वाले केस और ये वाले केस में डिफरेंस आ गया ना, इसमें तो तीनों इक्वल है, और इसमें क्या है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, so this is the case of no solution, no solution का क्या मतलब होता है, कि lines parallel line, parallel lines, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, this is the case of no solution, that is the lines are parallel, मतलब lines parallel है, तो obviously no solution होगा, क्यों होगा, क्योंकि भाई lines meet ही नहीं करेंगी, पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस को कभी मीट करती नहीं, कभी भी जितनी मर्जी एक्सटेंड कर लो, तो जब पैरेलल लाइंस है मीट ही नहीं करती, तो कॉमन सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, कॉमन मीटिंग पॉइंट हो ही नहीं, मीटिंग पॉइंट ही नहीं है उनका, मीटिंग पॉइंट नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ आया, इस क्वेश्चन से हमें ये समझ आया कि अगर a1 upon a2 not equal अगर b1 upon b2 के, तो आपको c1 upon c2 नहीं निकालना, आप डायरेक्टली लिखोगे कि इट इज द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन एंड दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऐसे क्रॉस होंगी लाइंस, x बनाएंगी ग्राफ पे, ठीक है, अगर a1 upon b2 और b1 upon b2 इक्वल आ गए, तो आपको c1 upon c2 भी निकालना है, अगर a1 upon a2 और b1 upon b2 और c1 upon c2 तीनों इक्वल आ गए, तो क्या है, coincident lines, एक के ऊपर एक lines, और उसको क्या बोलते हैं, कि they have infinitely many solutions, और अगर a1 upon a2 और b1 upon b2 equal है, लेकिन वो c1 upon c2 के equal नहीं है, तो they don't have any solution, this is the case of no solution, that is lines are parallel, तो ये पूरा chapter इन्हीं तीन cases के ऊपर based है, तो ये तीनों के तीनों जो questions हैं, तीनों के तीनों जो parts हैं, ये पूरे chapter को describe कर रहे हैं actually, तो ये तीनों बात बहुत अच्छे से समझो कि क्या है ये, ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं, लेकिन पूरा चैप्टर इसी के आजू बाजू घूम रहा है, ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ओके बाय बाय।